हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वाईफाई ज्ञान। सो गाइस, यहां पर आरआरबी एनटीपीसी की 35,277 पोस्ट पर जो हमारी वैकेंसी आई है, उसमें फ्रेंड्स यहां पर मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर, यहां पर आरआरबी एनटीपीसी में 35,277 पोस्ट के लिए कौन सी यहां पर हम जोन सेलेक्ट करें और कौन सी जोन हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक की कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि सारे कैंडिडेट्स को यह मालूम चल जाए कि कौन सी यहाँ पर जोन आपकी बेस्ट रहेगी। तो इसलिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो में केवल अंत तक बने रहिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर बटन पर प्रेस कर दें, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट देते रहते हैं इस चैनल पर। कोई भी न्यूज और नोटिस आती है, वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं सरकारी जल की ऑफिशियल साइट पर, और इसी पर आपको मैं पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, जब जो है आरआरबी एनटीपीसी 1/2019 अप्लाई ऑनलाइन। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको पूरी डिटेल्स के साथ पूरा इसमें जानकारी देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन हो चुका है, और चलिए हम चलते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर जोन कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपकी वैकेंसी दिखाएंगे कि आपकी वैकेंसी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जनरल की है 15,131 पोस्ट, जिसमें ओबीसी की है 8,712 पोस्ट, और ईडब्ल्यूईएस का है यहाँ पर 3,510 पोस्ट, और एससी कैटेगरी का है 5,127 पोस्ट, और एसटी कैटेगरी का है 2,787 पोस्ट। और अब बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे की तरह, जो कि हमारी सारी यहाँ पर आरआरबी का नेम दिया हुआ है कि किस किस जोन से यहाँ पर वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी भोपाल, और यहाँ पर दिया हुआ है आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गुवाहाटी, उसके बाद है आरआरबी जम्मू श्रीनगर, उसके बाद आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मांडला, आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी पटना, और उसके बाद है हमारा तीन और चार और जोन है यहाँ पर रांची, सिकंदराबाद और आरआरबी सिलगुरु, और यहाँ पर है एक लास्ट में हमारा जो कि है तिरुअनंतपुरम। तो हमारा जो लास्ट में है तिरुअनंतपुरम। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम बात करते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी जोन होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज डिटेल के साथ दिया हुआ है, आप यहाँ से किसी भी जोन से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कौन सी जोन आपके लिए सबसे अच्छा और यहाँ पर महत्वपूर्ण जोन है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी यहाँ पर तीन ही जोन जो कि है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप उस जोन से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ पर जो कट ऑफ भी बनती है तो बहुत ही कम कट ऑफ बनती है, और अच्छा जो कि अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर उस जोन पर होता है। तो वो कौन कौन सी जोन है, पहला तो है हमारा वो है यहाँ पर भोपाल जोन की, जो कि भोपाल जोन में बहुत सारा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, और जो कि कट ऑफ जाता है बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। और दूसरे नंबर पर जो कि हमारा है यहाँ पर चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में हमारा बहुत ही कम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है, यानी कि नंबरों का यहाँ पर बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, और इसमें जो है कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, यानी कि बहुत सी कम यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो कि हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पर फार्म भरे थे यहाँ पर उस जोन से, उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है और कटा भी बहुत कम गया है। और एक है जो हमारा यहाँ पर नीचे की तरह ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर है एक सिकंदराबाद, जो कि सिकंदराबाद एक बहुत ही अच्छा जोन से आता है, जो इस जोन से अप्लाई किए हैं वो लोग बहुत ही यहाँ पर खुश हैं इस समय, और उनका जो है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है और कटा भी बहुत कम गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी जगह से आते हैं तो आप इन जोन से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है, और इन जोन से जो अप्लाई करेगा उनका यहाँ पर क्लियर है कि थोड़ा सा मेहनत कर देगा, लगन से पढ़ाई कर देगा, तो क्लियर है कि इस भर्ती में वो पास हो जाएगा। तो मैं आपको तो यही यहाँ पर राह दिखाऊंगा कि आप इस जोन से ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, क्योंकि यह जोन बहुत ही हमारी सेफ जोन है और बहुत ही यह हमारी अच्छी जोन है, तो इस जोन से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट से आप हर रोज़ अपडेट होते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।
कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।